नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। तो कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने 27 मार्च को देश को उस वक्त संबोधित किया था जब भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था। उस वक्त देश में आचार संहिता लागू थी और 11 अप्रैल से 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गुरुवार को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अलावा यह पुरस्कार मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और ख्याति प्राप्त असमिया गायक भूपेन हजारिका को भी दिया जाना है और इसी साल की शुरुआत में इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। प्रणब मुखर्जी के अलावा भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असम के प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को दिया जाएगा। प्रणब मुखर्जी के अलावा इन दोनों ही हस्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। प्रखर वक्ता और हर दिल अजीज नेता रही सुषमा स्वराज बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। नम आंखों के साथ हजारों लोगों ने अपनी प्रिय नेता को आखिरी विदाई दी। दिल्ली स्थित लोधी रोड समताकरण पर तमाम हस्तियों की मौजूदगी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की रस्मों को उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने पूरा किया। सुषमा को आखिरी विदाई दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लालकृष्ण आडवाणी, मोदी कैबिनेट के तमाम अन्य सदस्यों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। आपको बता दें कि विदेश मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से 67 साल की उम्र में मंगलवार रात निधन हो गया। दिल्ली सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पक्ष और विपक्ष की चहेती और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर लखनऊ बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में लोकसभा का शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी ने कार्यकर्ता और नेताओं का हिस्सा लिया। आप बता दें कि शोक सभा में सांसद रीता बोगड़ा और मंत्री मुकुट बिहारी भी शामिल हुए। रीता बोगड़ा जोशी ने बताया कि बीजेपी के लिए एक बड़ी नेता की क्षति हुई है। सुषमा जी ने देश के लिए समर्पित होकर काम किया था। महिलाएं उनको आदर्श मानती हैं और हमेशा रहेंगी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से नीदरलैंड के राजदूत अल्फोंसुस स्टुलांगा ने मुलाकात की। उसके बाद यूपी में औद्योगिक निवेश और फल सब्जियां और डेयरी के उत्पाद के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू हुए और यूपी की ओर से यहां के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने दस्तखत किए। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले फल सब्जियां और डेयरी उत्पाद दुनिया के बाजारों में पहुंच सकेंगे जिसमें नीदरलैंड सहयोग करने जा रहा है। बुधवार को लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी सीएम आवास पर नीदरलैंड के राजदूत के नेतृत्व में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने से संबंधित विभिन्न रणनीति पर चर्चा। शाहजहांपुर नगर निगम की सड़कों पर आवारा सांडों का खुला आतंक जारी है। सांडों का आतंक इस कदर है कि राहगीरों ने रोड पर से निकलना ही बंद कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो आवारा सांड रोड के बीचों बीच आपस में लड़ रहे हैं जिस कारण राहगीर की डर की वजह से इधर उधर छिप गए और रोड पर जाम लग गए। नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजनौर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार 3 ट्रक आपस में टकरा गए। वही हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक में फंसे शवों को कटर के जरिए से निकाला गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य जारी रखा है और वहीं SP बिजनौर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को बाहर निकाला। बागपत जिले के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है जहां हर दिन कोई ना कोई बड़े हादसे होते रहते हैं। तेज रफ्तार ने एक बार फिर 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से हरियाणा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई और कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वही एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे उपचार के लिए दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वही CO बागपत ने बताया कि एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है जिसमें एक युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों को दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपे जाएंगे।
अमेठी जिले के हरकपुर गांव में बने मॉडल प्राइमरी स्कूल में बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जहां हल्की सी बारिश से हो जाने से स्कूल अब तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। और यही नहीं, जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो इसी पानी के बीच से गुजर कर क्लास में जाने को मजबूर हो चले हैं। कभी कभी दो बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं, जिससे उनका बैग और कपड़े तक गीले हो जाते हैं। मजबूरी में उन्हें घर वापस जाना पड़ता है। तो वही पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को मीडिया के अनुसार पता चला है। देवरिया में पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक में से 231 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। मामला जिले के लार थाना क्षेत्र के बिहार सीमा का है। पकड़ी गई शराब कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। हरियाणा ब्रांड की यह शराब बिस्किट के गत्ते के भीतर छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी, जिसको चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। वही पुलिस ने दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बिजनौर में आज उस वक्त एक सनसनी फैल गई, जब दो भाई बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाई बहन की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लाश मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर के निजामतपुरा का है, जहां की रहने वाली जया की शादी 2 साल पहले सोमपाल से हुई थी और जहां जया 8 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। जया कुछ दिन पहले अपने मायके निजामतपुरा आई थी और जया कल देर शाम को अपने भाई अरविंद के साथ गंज के छड़ी जहार दीवान मेले में गई थी और देर रात को लौटते समय भाई अरविंद की और जय की गोली मार हत्या कर दी गई। अभी पता ही चला था कि पति और पत्नी में विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने दोनों मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ी लूट होने के मामला सामने आया है। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में बंधन बैंक के एजेंट को बाइक सवार दो नकाबपोशों बदमाशों ने गोली मारकर 1,70,000 रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। दीपक कुमार प्रजापति उर्फ लालू बंधन बैंक में एजेंट के तौर पर काम करता है। बुधवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे बैंक के काम से गांव में जाकर समूह में पैसा बांटने के लिए बैंक से 1,70,000 रुपए निकला था और एजेंट जैसे ही चौबेपुर के अंबा गांव के पास पहुंचे, सामने जा रहे दो बाइक सवार बदमाशों ने अमरूद के बगीचे के पास दीपक कुमार के ऊपर गोली चला दी। गोली सिरे गले में लगी और अभी गोली गर्दन के पीछे की रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई। गोली लगते ही दीपक रोड पर गिरकर तड़पने लगे। स्थानीय लोगों ने दीपक को उठाकर पाड़िया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर आला अधिकारी सभी एसपीसीटी पहुंचकर जांच में जुट गए। पीजीआई की वारदात में 3 शूटरों की फोटो वायरल करने के बाद लखनऊ पुलिस अपनी ही बातों में फंसती नजर आ रही है। 3 शूटरों की फोटो वायरल होने के बाद पुलिस लगातार अपने बयान बदलती जा रही है। पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह के गोली मारने के बाद मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। क्राइम ब्रांच और पीजीआई पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद एसएसपी लखनऊ ने बताया कि गलती से आरोपी का गलत फोटो जारी हो गया। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग में गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिजनौर जिले में एसपी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल की चेकिंग के साथ ही बंदी वाहनों को भी चेक किया गया है। फिलहाल जेल में चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद एसपी ने आगामी त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। और एक कश्मीरी युवक का अयोध्या में निकाह करना चर्चा का विषय बन गया। वह भी ऐसे माहौल में जब कश्मीर से धारा 370 हटी है और उस समय अयोध्या में कश्मीरी युवक का निकाह मुस्लिम पुलिस के लिए भी सिरदर्द भी बना हुआ। मौके पहुंची पुलिस ने कश्मीरी युवक और उसके परिवार से पूछताछ की और आईडी वेरिफिकेशन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार संपर्क कर वेरीफाई कराया, जिसके बाद अयोध्या पुलिस ने दंपति को जनपद छोड़ने की अनुमति। दरअसल पुलवामा के रहने वाले रुखसार ने अयोध्या की जीनत से निकाह किया था और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन की विदाई कुछ समय के लिए टाल दी गई। कश्मीरी युवक और उसके परिवार की आईडी वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। केंद्र सरकार के मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून भले ही बना दिया गया हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक का पहला मामला सामने आया है। दरअसल अलीगढ़ के चंडौस क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पर दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी और वहां रियासत नामक युवक की दूसरी पत्नी थी और वही पीड़ित अक्सर ससुराल में दहेज
कम लाने को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती है। हद तो तब हो गई जब बीते दिनों ससुरालीजनों ने 1 लाख रुपए की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की और उसके बाद रियासत ने पीड़िता को 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। वह एसपी क्राइम ने तत्काल थाना अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। और देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर अपराधी के पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताते चले कि इनामी बदमाश 2 अलग अलग पेट्रोल पंप पर करीब 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के चलते वार्डशीट चल रहा था। फिलहाल बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शहूतों का आतंक इस कदर बड़ा है कि जिसका एक उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ एसएस साउथ हॉस्टल के बाहर शहूतों ने छेड़छाड़ की है। जब इसका विरोध किया तो शहूतों ने छात्रा के साथ जमकर मारपीट की और जिसकी सूचना छात्रा ने पुलिस को दी। छात्रा के अनुसार पहले भी कई बार शहूतों उसके साथ छेड़छाड़ और अगवा करने का प्रयास कर चुके हैं। वहीं एसपी क्राइम ने बताया कि वारदात में थाना सिविल लाइन को मामला दर्ज करा कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजामऊ भौजिया गांव में उस समय हल्का मच गया जब एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और शव को अंतिम लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं एएसपी ने बताया कि मृतक युवक का कुछ दिन पहले गांव के युवकों से विवाद हुआ था, जिसकी तहरीर दी गई। आरोपियों को जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी से 7 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाला जिला उन्नाव इन दिनों काफी चर्चाओं में वैसे ही है, और तो और यहां बदमाशों का आतंक भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को खुली तौर पर चुनौती दी है, जहां बांगरमऊ थाना क्षेत्र के गोशा कुटुब इलाके में दबंगों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर युवक और दबंगों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है हुई है और बदमाश जो है वो फरार चल रहा है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास बच्चों को लेकर जा रही स्कूल उसकी बस खेत में पलट गई। वही बड़ा हादसा होने से बच गया और हादसे में से बस में सवार 4 बच्चों सहित चालक भी घायल हो गए। मौके पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला और बच्चों के परिजन को सूचना मिलने पर उन्हें प्राथमिक उपचार कराकर घर ले गए। बस चालक जमुना प्रसाद चुनार कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर ग्राम का निवासी है। बच्चों का कहना है कि चालक हमेशा तेज रफ्तार में बस ले जाते हैं, जिससे ये हादसा हो गया। कानपुर में गंदगी और कूड़े के लगे अंबार को लेकर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 12 अगस्त को बकरी ईद का त्यौहार है, जिससे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाजियों ने जिन रास्तों से होकर जाना होता है उन रास्तों पर भीषण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़े और जल भराव की शिकायत कई बार नगर निगम से की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि बकरी से पहले नाला सफाई का जल्द से जल्द निस्तारण करवाए। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कानपुर भी हाई अलर्ट पर है। गृह विभाग ने खुफिया विभाग को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो तुरंत आला अधिकारियों को सूचना दें। अलर्ट के बाद LIU और मिलिट्री इंटेलिजेंस सक्रिय हो गए हैं। कानपुर महानगर शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में कुल 125 कश्मीरी छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें IIT में 20, PSIT में 4, महाराणा प्रताप कॉलेज में 88 और HBTU में 13 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी छात्र को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संस्थान अधिकारियों से संपर्क किया गया है और उन्हें बताया गया है कि अगर किसी तरह के प्रशासन की जरूरत होती है तो तत्काल संपर्क करें। खुफिया विभाग अपने अपने स्तर से ऊपर निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बारिश इस वक्त कहर बनकर टूट रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर का है, जहां पाली तहसील का भुजरिया तालाब चेक डैम टूटने से आसपास के गांव में पानी भर गया। घरों में भरे पानी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मंदिर मोहल्ला और पडियार वार्ड लोगों में SDM पाली से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद SDM ने जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। बाराबंकी जिले के बदोसराय थाना क्षेत्र के अमरा देवी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में बने मंदिर पर
रोज की तरह दीपक जलाए गए चार बच्चों को मधुमक्खियों ने काट लिया, जिनमें से एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई और जबकि बाकी 3 बच्चों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मधुमक्खियों के हमले की जानकारी मिली है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम सीएचसी भेजी गई। और कानपुर में मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए दोबारा संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कलेक्टर सभागार में डीएम विजय विश्वास पंत ने राजनीतिक दलों के सदस्यों को महत्वपूर्ण बैठक की और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 16 अगस्त से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में येलो घर घर जाकर सर्वेक्षण भी करेंगे। वहीं 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक निर्वाचक नामावली में आलेख प्रकाशन और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि रहेगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना रबुपुरा में गुमशुदा नरेश और असलम कोश के शव मिले थे। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए शफीक मुजम्मल कलुआ सलमान ने पूरे प्रकरण को अंजाम दिया था और इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 छुरे और लूटे गए 25,000 में से 10,000 रुपए बरामद किए हैं। और कानपुर में रक्षाबंधन के पर्व पर डाक विभाग ने रक्षा सूत्र के बंधन को मजबूत बनाते हुए नई योजना चालू की है, जिससे त्योहारों के पहले ही बहनों की भेजी गई राखियां भाइयों को मिल सके। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को यह सौगात दी है और डाक विभाग ने इसके लिए बड़े शहरों के लिए अलग अलग डिब्बे रखे हैं ताकि उनसे राखियों के लिफाफे डाले जा सके और समय पर उन्हें पहुंचाया जा सके। इसके लिए डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को भी जारी कर दिया। बिजनौर में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक क्लिनिक पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाई मिली, जिसे टीम ने सील कर दिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये छापेमारी थाना कोतवाली शहर के बख्शीवाला रोड पर स्थित डॉक्टर यीशु के क्लिनिक पर हुई। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्लिनिक पर भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाई मिली और वहीं डॉक्टर ने कई कागज भी नहीं दिखा। हरदोई में किसान की एचटी लाइन तार छू जाने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किसान की मौत से परिजनों में आक्रोश है। घटना बिलग्राम कोतवाली के मोहल्ला खतराना की है, जहां के रहने वाला किसान श्यामलाल खेती की तरफ घास लेने गया था और तभी रास्ते में निकली एचटी लाइन का तार किसान के सिर से टकरा गया, जिससे उसकी करंट लगने से मौत। हापुड़ के रेलवे अंडरपास में बारिश के भरे हुए पानी में अचानक अजगर निकलने से छात्रों और ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। 12 फीट लंबा अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई और ग्रामीणों ने घंटों की मेहनत के बाद अजगर को पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर एक जंगल में छोड़ दिया और वहीं ग्रामीणों की माने तो इस बारे में कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन ये अंडरपास में पानी भर जाता और छात्रों का आना जाना भी लगा रहता। रायबरेली के उचार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल में मैसेज भेजकर 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं फिरौती मांगे जाने की जानकारी से हड़कंप मच गया। पुलिस युवक की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चल सका। इसी को लेकर नाराज सैकड़ों ग्रामीणों से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करा और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस जिस नंबर से फिरौती मांगने का मैसेज आया है, उस नंबर के जरिए अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही युवक को बरामद कर लिया जाएगा।